वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, किस स्टेट की कितनी लंबी कोस्ट लाइन है और किस स्टेट की कितनी छोटी है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती हुई अंडमान निकोबार पहले नंबर पर है। अंडमान निकोबार का जो एरिया है वो 1962 किलोमीटर का एरिया है। गुजरात सेकंड नंबर पे है। गुजरात का जो एरिया, गुजरात स्टेट है और अंडमान निकोबार हमारी यूनियन टेरिटरी है। गुजरात का है 1214.70 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, केरल 569.70 किलोमीटर, ओडिशा 457 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, गोवा 151 किलोमीटर, पुडुचेरी 31.60 किलोमीटर एरिया, दमन एंड दीव 27.20 किलोमीटर का एरिया है। तो टोटल जो नाइन स्टेट हैं और जो फोर यूनियन टेरिटरीज हैं, नाइन स्टेट हैं और फोर यूनियन टेरिटरीज हैं, तो नाइन स्टेट का यदि हम एरिया देखते हैं तो 6100 किलोमीटर का टोटल एरिया है। और यदि हम यूनियन टेरिटरीज़ को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जो टोटल एरिया है 7516.6 किलोमीटर का टोटल एरिया है। और यदि हम यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी जो कोस्ट लाइन एरिया है वो सबसे लंबी है, कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, और दमन और दीव की कोस्ट लाइन सबसे छोटी है। और यदि हम स्टेट में देखते हैं तो स्टेट में गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है और गोवा की कोस्ट लाइन सबसे छोटी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।